बिना किसी समझौते के। जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। अहमदाबाद में तीस्ता सेतुल वाड़ा और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार की जमानत खारिज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में ग्राम संसद का उद्घाटन किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 भारत को मिला पहला मेडल, वेटलिफ्टिंग में संकेत ने जीता सिल्वर। यूपी में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने किया सरेंडर, 8 महीने से चल रहा था फरार। बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने 2012 में खरीदा था शांति निकेतन में फार्म हाउस। देश के पहले मंकी पॉक्स के मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव, आज अस्पताल से डिस्चार्ज होगा। आजमगढ़ में शराब कांड में एसपी विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में बारिश के दौरान निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, 7 बच्चे मलबे में दबे। दिल्ली में देवघर की पहली उड़ान, मनोज तिवारी समेत कई सांसद मौजूद। यूपी में चित्रकूट एनकाउंटर पर सवाल, तत्कालीन एसपी समेत 14 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में 11वीं मंजिल से गिरी महिला की मौके पर हुई मौत। दिल्ली में सरकारी दुकानों के जरिए शराब की बिक्री, अभी पुरानी नीति रहेगी लागू। राजस्थान में सवाई माधोपुर में एटीएस की दबिश, एक युवक को पकड़कर ले गई टीम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले से एलईटी से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों पर होगी छापेमारी, ईडी तैयार कर रही है लिस्ट। कर्नाटक में फाजिल मर्डर केस में पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए पुरानी आबकारी नीति लागू करने का दिया निर्देश। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, आज विद्युत क्षेत्र की पुनः निर्मित वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में देर रात कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव हुआ। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,